अगर ये संकेत मिले तो समझो आपके घर भूत प्रेत का वास है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी होगी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लाडली वॉइस पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म का एक ऐसा और बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें बड़ी ही विस्तार से, बड़ी ही स्पष्ट रूप से लिखी गई है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमय बातें भी बताई थी। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद यह घटनाएं, मृत्यु लोक, यमलोक, नरक लोक जैसी चीजों के बारे में बड़ी ही विस्तार पूर्वक से बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं, ना तो आपके घर में किसी ऐसी बुरी शक्ति का डेरा है, अथवा किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में अपनी जगह बना ली है, यह संकेत बहुत ही भयानक और खतरनाक होते हैं। कई लोग इन्हें मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, जो कि अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। लेकिन आगे चलकर जब उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तब घर में प्रेत या कोई बुरी शक्ति प्रवेश करती है तो घर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। उस घर में रहने वाले लोगों को आपस में मृत्यु पर शोक का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, घर में मौजूद संजय धन अचानक किसी कार्य में धीरे धीरे खर्च होने लग जाता है और पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद होने लग जाता है। इसीलिए अगर आपको भी अपने घर में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको समय रहते ही उनका उपाय कर लेना चाहिए। यह संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। यह बुरी शक्ति आपके परिवार को तरह तरह के कष्ट देने लग जाती है। इसीलिए आप सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन संकेतों पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से बिना स्कीप किए पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि वह कौन से संकेत है जिसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत का वास है या नहीं। यह संकेत सपने में या किसी प्राकृतिक के द्वारा या फिर किसी पशु पक्षियों के द्वारा भी आपको मिल सकते हैं, जिसे जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री नारायण से पूछ लिया था कि हे प्रभु, किस समय मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है, किस मनुष्य के घर में भूत प्रेत का वास होता है, तो ऐसे कौन से संकेत हैं जिसे जानकर हम यह पता लगा सकते हैं कि घर में किसी बुरी शक्ति का वास हो चुका है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को उत्तर देते हुए कहा था कि कई रहस्यमय बातों को मैं तुम्हें गरुड़ जी बताऊंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि किस प्रकार से हम पता कर सके कि हमारे घर में भूत प्रेत का वास हो चुका है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है, वैसे घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। माता लक्ष्मी उस घर को त्याग कर चली जाती है। ऐसे घर में सदैव गरीबी, दरिद्रता छाई रहती है, क्योंकि उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं, और जिस घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं, उस घर में सकारात्मक शक्तियाँ नहीं रह पाती हैं। अगर किसी मनुष्य के घर में भूत रेत का वास होता है, तो उस घर में विभिन्न प्रकार के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। यह संकेत उस घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या फिर सपनों के माध्यम से बड़ी ही आसानी से मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपने में यह चीज दिखाई देने लग जाती है, तो उसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि उसके घर में भूत प्रेत का वास हो चुका है। उसके पूर्वज या मृत परिजन प्रेत योनि में वास कर रहे हैं और उनके ही घर में विचरण कर रहे हैं। प्रेत के घर आने से हमारे घर में कई प्रकार के संकेत मनुष्य को बड़ी ही आसानी से मिलने लग जाते हैं।
इसीलिए उपाय करके इन प्रेत से मुक्ति प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि घर में माता लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का वास होने लग जाए और घर में सुख शांति का माहौल और ऐश्वर्या की समृद्धि की वृद्धि होती रहे। दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि घर में भूत प्रेत प्रवेश क्यों करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में समस्त प्राणियों को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता तो अवश्य ही होती है, ठीक इसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता जरूर होती है। भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि भूत प्रेत उन लोगों के घर में भोजन करने के लिए जाते हैं जिनके घर में सदैव अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भूत प्रेत का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय होता है, यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिनकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए कफ, मल, मूत्र और अन्य प्रकार की गंदी चीजों को आहार के रूप में भूत प्रेत ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी भोजन रखने से भी हमारे घर में भूत प्रेत आकर्षित होने लग जाते हैं। इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी भोजन भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर मल मूत्र का त्याग करना भी बहुत ही हानिकारक होता है, इससे बुरी शक्तियों हमारे घर में आकर्षित हो जाती हैं और घर में प्रवेश कर जाती है। साथ ही साथ घर में थूकना भी बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है, क्योंकि यह प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से भूत प्रेत घर में प्रवेश बड़ी आसानी से कर जाते हैं। अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घर में थूकने की बहुत ही ज्यादा आदत होती है, जो कि शास्त्रों के अनुसार बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता है। ऐसे घर में दरिद्रता, गरीबी छाई रहती है। घर को भूत प्रेतों से मुक्त रखने के लिए घर की स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीज इधर उधर बिखरी हुई होती है, ऐसे घर में प्रेत जाकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है और वहाँ पर नकारात्मक चीज आने लगती है। और ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी भूल कर भी प्रवेश नहीं करती है। भगवान श्री कृष्णा कहा करते हैं कि जिस घर में व्रत, पूजा पाठ, धर्म के कार्य जैसी धार्मिक कार्य नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों के घर में भूत प्रेत माओं का वास होने लग जाता है। और उस घर में माता लक्ष्मी देवी देवता कभी निवास नहीं करते। जिस घर की महिलाएं ज्यादा देर तक सोने वाली होती हैं, पति तथा गुरुजन का अपमान करती रहती हैं, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, तो ऐसे घर में भी प्रेत का वास होने लग जाता है। जिस घर के लोग बिना स्नान किया ही भोजन को कर लेते हैं, जिस घर के लोग स्नान किए बिना पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करते हैं, तो उनके घर में देवी देवता कभी भी वास नहीं करते हैं। ऐसे घर में भूत प्रेत वास करते हैं और उनके स्थान पर भूत रेत अपना निवास स्थान बना लेते हैं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं घर में भूत प्रेत होने के कौन से संकेत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कहा जाता है, भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत परिजन अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। वह वायु रूप में ही अपने परिजनों के शरीर में बड़ी ही आसानी से प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्णा कहा करते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में बड़ी ही आसानी से प्रवेश करता है। अगर सपने में घोड़ा, हाथी तथा बैल जैसे प्राणी विचलित रूप में दिखाई दे या फिर क्रोध करते हुए आपकी ओर आक्रमण करें, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को सैया पर विचलित स्थिति में देखा है, यानी सोते समय वह सीधा होता है लेकिन जागने पर देखा है कि उसका सर दूसरी ओर है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके घर में भूत प्रेत का वास हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या उसके मरे हुए पूर्वज गंदे कपड़े में दिखाई देते हैं या फिर उनके पूर्वज दूसरों का भोजन चोरी करके भागते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, अथवा वह अपने
परिजनों को प्यास में तड़पते हुए देखते हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर सपने में कोई जानवर जैसे बैल, पक्षी, घोड़ा आदि मनुष्य की भाषा बोलते हुए आपको दिखाई दे जाए तो समझ जाना चाहिए कि आपके मृत परिजन प्रेत योनि में भटक रहे हैं और वह आपके ही घर में निवास कर रहे हैं। अगर घर में बार बार क्लेश होती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, धन की अचानक हानि होने लग जाती है, घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ने लग जाते हैं, तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में प्रेत आत्मा होने का संकेत मिलता है। इसके अलावा घर में चमगादड़ आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि घर में प्रेत बढ़ चुके हैं। अगर आपके घर में गिद्ध आकर बैठ जाता है तो इसे बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर के दरवाजे अक्सर अचानक ही जोर से झटके के साथ बंद हो जाता है और ऐसा लगातार हो रहा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है आपके घर में भूत का साया हो। यदि आपके घर में या आसपास अजीब सी आवाजें या किसी चीज के गिरने की या पैरों की आहट सुनाई देती हो तो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि ये भी किसी आत्मा का संकेत हो सकता है। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है और वह अचानक डरने लगे या किसी एक जगह को देखकर बार बार भौंकने लगे तो इसे अनदेखा न करें, क्योंकि पालतू जानवरों को ऐसी आत्माएं दिखाई देती है। अगर अचानक आपके घर के आसपास किसी के रोने की या फिर सिसकियां लेने की आवाज आए तो पहले देख ले कि कोई जरूरतमंद तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई दिखाई ना दे तो समझे वो आत्मा हो सकती है। यह संकेत होता है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने अपना निवास स्थान बना लिया है। अगर आपको ऐसे संकेत मिले तो आपको तुरंत इसके उपाय कर लेने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते हैं, कितना भी साफ करने पर मकड़ी के जाले आपके घर से जाते नहीं हैं, है खत्म नहीं होते, तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है। ऐ माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली गई है और ना ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा की जगह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। इसे तुरंत दूर करने के लिए आपको उपाय करने चाहिए, अन्यथा आपको इसके बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे संकेत मिलते हैं तो व्यक्ति को प्रेत बाधाएं दूर करने के लिए गंगा में स्नान करना चाहिए और बैल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। घर में हवन पूजा पाठ करके गरुड़ पुराण का पाठ भी करवाना चाहिए। इसके अलावा घर से प्रेत आत्मा को दूर करने के लिए प्रतिदिन घर में तुलसी के पत्तों से गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए और अपने घर में तुलसी का पेड़ भी लगाना चाहिए। इससे घर से सकारात्मक ऊर्जाएं आना शुरू हो जाती हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसीलिए ऐसे संकेत मिलने पर व्यक्ति को इन उपायों को जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यही कुछ संकेत हैं जो घर में भूत प्रेत होने से मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताना कि इसमें से आपको कौन सा संकेत मिला है। अगर मिला है तो आपको इन संकेतों को जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों, अगर आप भी महादेव से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।